सब्सक्राइब करें स्मार्ट टेक मुकेश जी चैनल को और साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूले ताकि ऐसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्मार्ट टेक मुकेश जी चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हैं और पूरी जानकारी के साथ आपके इसके नुकसान और फायदे दोनों बताऊंगा। तो कृपया करके वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें। और इसके जो पहले फायदे हैं, अगर आपका चैनल न्यू है, अगर आपने नया चैनल क्रिएट किया है और आपके सब्सक्राइबर का बहुत कम है, तो आपको चैनल हाइड ही करके रखने में फायदा है। और जब तक आपके लगे ना सब्सक्राइबर मेरे 1,000, 10,000 या 5,000 हो गए हैं, तब तक आपको अपने चैनल को हाइड ही करके रखने में फायदा है। क्योंकि जो भी आपके चैनल को वीडियो को वॉच करेगा और वो आपके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा, क्योंकि आपका चैनल जो है हाइड में रहेगा। अनहाइड कर देते हैं और आपके चैनल का सब्सक्राइबर कम है तो अगला ये सोचता है कि इसको क्या ज्ञान है, ये लोगों को क्या ज्ञान देगा। तो इस तरह से जो है आपका जो सब्सक्राइबर है नहीं बढ़ पाते हैं, थोड़ा समय लगता है, टाइम लगता है अगर आप सब्सक्राइबर को हाइड नहीं करते हैं। और जब तक आपके 40,000 से 50,000 सब्सक्राइबर ना हो जाए, तब तक आपको अपने सब्सक्राइबर को हाइड ही करके रखने में फायदा है। और अगर आप अनहाइड नहीं करते हो 40,000 से 50,000 सब्सक्राइबर के बाद, स्पॉन्सरशिप वालों को ये लगता है कि इनके पता भी नहीं चलता है कि आपके चैनल पे सब्सक्राइबर कितने हैं, तो वो कैसे आपको स्पॉन्सरशिप दे सके, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है। तो 40,000 से 50,000 जब आपके सब्सक्राइबर हो जाए तो अपने चैनल को अनहाइड जरूर कर लें, ताकि आपको स्पॉन्सरशिप जो है आपको मिलता रहे और आप लोग की अर्निंग भी होती रहे। नुकसान यही है, जब तक आपके 40,000 से 50,000 सब्सक्राइबर ना हो जाए, उस चैनल को आपको अनहाइड कर देना चाहिए। और कैसे करना है हाइड, पूरी जानकारी के साथ अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो कृपया करके चैनल को, पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूले ताकि ऐसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर फीचर में चले जाना है। चलिए चलते हैं। उसके बाद सर्च में आपको सर्च में टाइप करना है यूट्यूब स्टूडियो, जैसे कि हमारा फर्स्ट वाला आ चुका है तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे क्या करना है, 3 डॉट्स पे आपको क्लिक कर लेना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ रहा है डेस्कटॉप साइट, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का जो है इंटरफेस नज़र आएगा, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा है पूरा डेस्कटॉप साइड में ओपन हो जाएगा। तो डेस्कटॉप साइड में ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड को हमें क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ और मैं विद लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो यहाँ पे आप नीचे आते हैं, सबसे यहाँ पर सेटिंग का जो है लोगो नज़र आ रहा है, तो क्या करना है दोस्तों, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, चैनल का ऑप्शन आ रहा है, जनरल चैनल। तो हमें क्या करना है गाइस, चैनल पर क्लिक कर लेना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडवांस सेटिंग, फ्यूचर इजिबिलिटी। तो हमें क्या करना है दोस्तों, एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सब्सक्राइबर काउंट। तो अभी देख रहे हैं अभी यहाँ पर अनटिक है, तो हम आपको विद लाइव प्रूफ के साथ यूट्यूब पे चलते हैं और आपको अपना चैनल जो है हम दिखाते हैं यहाँ पर क्या शो हो रहा है। तो मैं अभी वीडियो चलाया था, तो एक मिनट चेक कर लेते हैं अपने चैनल पे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा चैनल जो है आ गया है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है अभी शो नहीं कर रहा है मेरा सब्सक्राइबर, क्योंकि वहाँ पर टिक नहीं किया गया है। तो अभी मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको टिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप टिक करते हैं डिस्प्ले काउंट पर, टिक करने के बाद गाइस इस पे आपको सेव का ऑप्शन आता है, इस पे जाकर आपको सेव कर लेना है। तो फिलहाल आप चेक करते हैं अब हमारा आया कि नहीं आया सब्सक्राइबर, दिखा रहा है कि नहीं। तो फाइनली आप देख सकते हैं मेरा सब्सक्राइबर जो है अब शो होने लग गया है। एक बार मैं और आपको चेक करवा देता हूँ फिलहाल, तो चलिए मैं दोबारा एक बार और आपको अनहाइड करके दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाना है, उसी तरह
सेटिंग में जाने के बाद चैनल पर जाएं, यहाँ चैनल जो आप देख पा रहे हैं चैनल पर चलते हैं, उसके बाद एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद मैं जूम करके दिखा देता हूँ, इसको अनहाइड करके सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो आपको मैं आप दोबारा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं इस तरह से जो है आप अपने चैनल को हाइड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलें ताकि ऐसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।